प्रशासन और मेला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। सरकार ने अभी तक कुंभ मेले को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन सन्यासी अखाड़े अपनी परंपराओं के मुताबिक 1 अप्रैल से पहले के सभी शाही स्नान करेंगे। इसे लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की और सन्यासी अखाड़ों द्वारा किए जाने वाले महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर चर्चा की। 11 तारीख को जो शाही स्नान है उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी अखाड़े हैं अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है और अखाड़ों के समय पब्लिक को स्नान करने की अनुमति नहीं होती, उसके बाद और पहले पब्लिक स्नान कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पहला शाही स्नान है ये बड़ा भव्य और दिव्य होगा। माननीय मदन कौशिक जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के और हरिद्वार के विधायक भी हैं, उनका दायित्व बनता है कि 11 मार्च को पहला शाही स्नान है तो अखाड़ों में जाके सबसे पूछ रहे हैं क्या व्यवस्था है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसी विषय को लेकर के पंचायती खास इंजनी में आए और वहाँ के सचिव महंत श्रीमंत रविंद्रपुर जी से हमें अध्यक्ष अखाड़ा परिषद से बातचीत की उन्होंने और हम लोगों ने अपनी अपनी बात बता दी है कि सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने की सफाई रास्ते की जाए और समय का निर्धारित है पहले से ही है, समय का पालन करें। ये सब जो हमारे अखाड़ों की सब चीज से ये बात हुई थी, इसमें ये नहीं है कि सरकार ने किया था, सरकार ने सब अखाड़ों से राय ली थी और सबने हाँ कहा था उस समय, इसलिए ये सब चीज चल रही है। स्नान होगा यही है कि जो ब्रह्मकुंड पे स्नान नहीं होगा, बाकी पूरी गंगा जी है सबने स्नान होगा, ऐसी बात है। खाली जो ब्रह्मकुंड का छोटा सा इलाका है जो